आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब कि 9 बज चुके हैं और मेरे मतलब मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। अभी जी अभी जस्ट ऑफिस निकले हैं, मेरा नहाना वाना भी हो चुका है, बट मैंने अभी पूजा नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। और पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग कैसे है जरूर बताइएगा और बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। आज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अभी मतलब सभी लोगों का हो चुका है ब्रेकफास्ट। और अभी दिन के बज चुके हैं, अभी 11 बज चुके हैं और अभी मैं रूम वगैरह सेट करने आई हूँ। देख लीजिए रूम की क्या हालत हो गई है। ये डुग्गू वैसे उसमें वैसे ही करते रहता है क्योंकि उसको ना वो खेलना होता है तो हमेशा वैसे ही कर देता है। तो अभी मैं थोड़ा रूम सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक बने रहिए वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ रूम में, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है तो उसके बाद मैं थोड़ा रूम वगैरह सेट करने आई हूँ कि रूम ठीक कर लेती हूँ। वैसे सुबह में मैं एक बार ठीक कर देती हूँ, फिर बच्चे वगैरह दिन भर ऐसे ही करते रहते हैं तो दिन भर ऐसे ही ठीक करना पड़ता है। और उसके बाद दिन का टाइम हो गया तो मैं लंच बनाने आ गई हूँ। तो मैं मतलब चावल मतलब कि रोटी सब्जी और दाल वगैरह मेरा बना हुआ था तो मैं चावल और रोटी बना रही थी और सब्जी भी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था केले के कोफ्ते बनाए थे तो बस मुझे रोटियां बनानी थी तो मैं रोटियां बना रही थी और चावल मेरा मतलब बन चुका था तो यहाँ पे मैं वही लंच बना रही थी। और उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी सुबह से ही काम में लगी पड़ी हूँ। लंच बन चुका है तो यहाँ पे हम लोगों का पेट पूजा हो रहा है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। चावल दाल कोफ्ते केले के कोफ्ते मैंने बनाए थे तो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं डुग्गू पीहू खा रही थी और माँ खा चुकी थी, मतलब कि मदर इन लॉ खा चुकी थी, वो सो गई थी और हम लोग भी फटाफट खा रहे थे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। आज अभी शाम के बज चुके हैं 4 और मैं थोड़ी देर लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर में सो गई थी। और आज मैंने एक वीडियो भी शूट किया था, वीडियो भी बनाया था अपनी देवरानी जी के साथ। तो साथ ही साथ मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और अभी देखो मैंने क्या ख़रीदा है, अभी मतलब अभी जस्ट नीचे ही ख़रीदा था थोड़ी देर पहले जब मैं सो के उठी थी। तो अभी 4:30 मतलब 4:30 बज चुके हैं तो मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ। और बाल देखो सोने पे कैसे हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और मैं ना हमेशा मतलब कि तो मैं उन्हीं से ख़रीदती हूँ और वो भैया हमेशा आते हैं, मतलब कि मैं बहुत सालों से ख़रीद रही हूँ और मतलब काफ़ी सस्ता भी होता है और मतलब अच्छा भी होता है, कलर वगैरह सब कुछ पसंद आ जाता है। तो मैं हमेशा मतलब कभी भी मैंने सोफ़ा कवर या कुशन कवर नहीं ख़रीदा है। और ये मतलब राजस्थान से लेके आते हैं और काफ़ी अच्छा वेराइटी भी बहुत अच्छा होता है। मैं पूरा आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ इस टाइप से, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं कैमरा सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस टाइप से है, देख सकते हैं आप लोग, ये इस टाइप से है। और आवाज़ नहीं आ रही होगी तो देखिए इस टाइप से है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे मुझे कट करना होगा,
आपको स्टेप से है इसका डिजाइन, और काफी अच्छा है। मैं आप लोगों को नजदीक से दिखा रही हूँ, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये काफी इसके पीछे स्टेप से है, तो मैं हमेशा, वो भैया जब भी आते हैं तो वो मैं उन्हीं से खरीदती हूँ, और काफी अच्छा होता है। देख लीजिए और कैसा लग रहा बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इसे मैं कट करूंगी, कट करके निकालूंगी, और ये मैंने ये लिया कुशन कवर। और इसका कपड़ा भी काफी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सा है इसका भी कपड़ा, बस सिल्क जैसा इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ये लिया, ये इसे तो मुझे मतलब अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मुझे अच्छा लग रहा था मतलब स्टेप से ये। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। मैं हमेशा मतलब उनसे ही ले लेती हूँ, और मतलब बहुत ही सस्ता है। मतलब ये कुशन कवर जो मैंने लिया है ये मुझे तकरीबन 300 का ही मिला है, 300 का 6 मैंने लिया है। ये काफी मतलब 300 का मैंने 6 लिया है। और ये जो मैंने सोफा कवर लिया है, आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा लिया है। तो ये जो सोफा कवर मैंने लिया है, ये समथिंग मुझे मैंने कितने का लिया है, ये मुझे, हाँ ये मुझे तकरीबन 400 में मिल गया है। 400 पूरा सोफा का जो सेट होता है वो मुझे पूरा मिला, क्योंकि ये राजस्थान की तरफ भी काफी सस्ता मिलता है, तो वो भैया लोग उधर से ही लेके आते हैं, और मतलब मैं लेती हूँ तो वो जरूर आते हैं, मतलब मेरे पास यहाँ पे देने आते हैं स्पेशली। तो ये बस ये 400 का मैंने लिया है, और मुझे नहीं लगता कि 400 आपको किसी भी शॉप में ये मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, और मतलब काफी इजीली आप इसे साफ भी कर सकते हैं। तो मैंने लिया, मुझे मतलब मैं अभी मैंने घर पे दिखाया, मतलब मेरे हबी जी को पसंद आया, कि मतलब ये नहीं कि मतलब सस्ता है तो ये अच्छा है, ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं, बजट में भी आ जाती हैं, और बस मतलब रफली आप इसे यूज कर सकते हैं फिर, और मतलब फटता भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यूज करती हूँ। अभी भी मेरा जो भी सोफा कवर मैं जो भी लेती हूँ उन्हीं से लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं अब मैं जा रही चाय वाय पीने, क्योंकि शाम हो चुका है, तो अब तो मेरे चाय पीने का टाइम हो गया है, तो 5 बज चुके हैं। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, और देख लो आप लोग यहाँ पे कितना मतलब बिखरा हुआ है, ये सब पीहू का काम है सारा, मतलब ऐसे निकाल के रख दी है, तो सबको अभी ठीक करना है, अरेंज करना है। और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब एंड ही कर देती हूँ। तो वीडियो आज की कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।